अच्छा क्या? ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। अनु अनु, अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? मम्मी मैं अपने डिटेक्टिव मूवी में थी, यू नो डीप। और तेरा डिटेक्टिव मोड हमेशा ऑन रहता है। अच्छा सुनो, कल से लॉकडाउन शुरू हो रहा है 21 दिन का। oh, no. और कोई बाहर नहीं निकल सकता, तो पापा को फोन लगाओ जरा। ओह नो, मेरा सामान। हेलो पापा, आपको पता है पूरी इंडिया में 21 दिन का लॉकडाउन है। ओह नो, मैं आता हूँ वापस से सारा सामान लेके। अरे पापा पापा सुनो, मेरे बहुत ही जरूरी सामान है उधर। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार है, मुझसे पहले ही पापा को राशन के लिए फोन कर दी। अरे पापा सुनो ना, मेरा नाइजीरियन डिटेक्टिव बुक आपके ऑफिस में ही छुप गया, तो मुझे एडिशन में ना लेके आना प्लीज प्लीज प्लीज, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। हाँ हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। बाय पापा। मैं भी ना क्या सोच रही थी, तो इधर फोन, पापा से राशन मंगवाना है। मम्मी मैंने सारे रिसाइक्लिंग पेपर्स रख दिए बालकनी में। अरे वाह वेरी गुड। और हाँ, मैंने मेकअप किट, बहुत सारे मेकअप किट ऑर्डर किया है, और डोंट वरी पैसे मेरे पास बहुत सारे हैं। ये लड़की भी ना। अरे आशा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या मेरी मेकअप किट खो गई? नहीं। क्या मेरा खाना चल गया क्या? अरे उससे भी बुरा हुआ। क्या सबसे बेकार वाइवा हमेशा के लिए चला गया? अरे नहीं, मेरे पैसे चोरी हो गए। थैंक गॉड। अरे मतलब क्या है, अच्छी बात है मेरा पैसा चोरी हो गया? ओ मेरा मतलब था सो सैड। अच्छा आशा, मेरा पैसा खोजने में मदद करो ना। ओह नो, लगता है मेरा फोन बज रहा है क्या? अरे मुझे वो मत बनाओ, फोन तुम्हारे बाजू में ही है। ओ मुझे घर का बहुत काम पड़ा, मेरा दूध भी उबल रहा है। नो 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 नो। अरे वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो बल्ब है। अरे अनु, तुमको पता है ना उसी पैसों से वाईफाई का बिल भरना था ना। बाबा अनु तो डिटेक्टिव गोलू नहीं बना सकते, मैं मम्मा से आज सुबह ही भरवा दी। हाँ लेकिन इन चीजों के लिए पक्का कर सकते हो, ऐसे भी मेरे पापा हो ना। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, काम होने के बाद पेमेंट मिलेगा। ठीक है लेकिन काम होगा कल। ओके तो कौन सा कलर लगाना आयु? ये बहुत डार्क है, रेड नहीं, ये बहुत लाइट है। नहीं ये भी तो अच्छा ही है ना। ये वाला लगाओ, ये वाला, ये अच्छा कलर है। अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा कलर है। देखो मैं मेरे नेल को शेप कर रही हूँ इससे। चलो ना, मम्मी आयु जितना नेल पॉलिश लगाना है लगा लो, कल सुबह अनु द डिटेक्टिव आएगी 10 बजे, सब की सब तैयार है ना। ओए तुम मेरे तरफ उंगली क्यों कर रही है, मैंने नहीं चुराया कोई पैसा वैसा। अच्छा तो तुझे पापा ने डिटेक्टिव अपॉइंट किया है। टुमारो इज माय फर्स्ट डे ऑन ड्यूटी एंड आयू यू आर माय मेन विक्टिम। चाचा मुझे नहीं डर लगता तुझसे। और रिमेम्बर, एक भी चीज इधर की उधर नहीं होनी चाहिए, और मेरे जांच पूरी होने तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। ओके माय आईज आर ऑन यू आयू। अरे डिटेक्टिव मैडम, आपकी इंक्वायरी किससे शुरू होने वाली है? आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। oh, no. चलो हम आपसे ही सवाल जवाब पहले करते हैं। मेरे से ही शुरू होनी पहले, ठीक है आता हूँ। डिटेक्टिव मैम पूछिए, मैं आ गया। अरे पर अच्छा ठीक है, मैं जा। नहीं 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 रुको, मैं आई। Let's begin. Mr. Santosh Upadhyay, जिसको हम प्यार से कहते हैं। अपराध? बोलिए मैडम। तो आप कल रात कहाँ थे और आपने क्या मेरी बुक लाई? हाँ लाया ना बुक, आप बोलो और मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? आप कल कहाँ थे?
हाँ याद आया, मैं ऑफिस में था तभी तुम्हारा फोन आया था। तब आपके पास पैसे थे? हाँ तभी तो था पैसा, लॉकडाउन आते ही सारे पैसे उड़ गए। फिर आप कहाँ गए? ऑफिस लॉक किया, लॉकडाउन में लॉक तो करने ही पड़ेगा ना। फिर तुम्हारे मम्मी का राशन लिया, नहीं तो एंट्री नहीं करने देती घर। क्या बोले? नहीं नहीं कुछ नहीं, अनु से बात कर रहा था। फिर आपकी बुक लिया और वापस घर आ गए। आपने उन पैसों को लास्ट कहाँ देखा था? ओ, मैं अपने कोट के पॉकेट में रखा था। वो कौन सी जेब में था? लेफ्ट, राइट, पीछे, आगे, कौन सी डायरेक्शन? डिटेक्टिव मैम देखो, हमारे इसमें ही दो पॉकेट है, कोट में तो कितने सारे पॉकेट आते, कैसे याद रहे? याद नहीं कहाँ रखा। कुछ याद भी रहता है इनको, लगता है बुढ़ापा आ रहा है। कुछ कहा तुमने अनु? नहीं नहीं हमने कुछ नहीं कहा। आप कृपया करके बैठ जाइए, मेरे क्लाइंट 2 को बुलाना है। मिसेस आशा उपाध्याय, जिसको प्यार से हम बुलाते हैं मम्मी। तो आप जब पापा आए थे तो सब क्या हुआ था, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दीजिए। हाँ सर, ये लो सामान तुम्हारा। हाँ सर, ये लो जैकेट जरा। पापा आए तो उनके पास बहुत सारा सामान था, उन्होंने मुझे दिया, मैंने लेके रखा। पापा बहुत थके हुए थे तभी मैंने। अच्छा मुझे याद आ गया, मैंने कोट तुमको ही दिया था, इसका मतलब पैसा तुमने ही चुराया, तो कंफर्म हो गया। नहीं मैंने नहीं चुराया। पापा मेरे क्लाइंट, स्टॉप मत करो, बहुत इंटरप्ट कर रहे हो। वापस इंटरप्ट किया तो देखना, नहीं तो मैं आपका केस नहीं करूंगी, सुन लो। नहीं नहीं मैडम, चालू करूंगी चालू करूंगी। तो हम कहाँ थे, तो क्या पापा ने आपको अपना कोट दिया और उसके आगे क्या हुआ? कोट दिया उतार के, मैंने लेके गई कमरे में, देखा तो बहुत गंदा था कोट, तो फिर मैं उसे धोने में डाल दिया। अरे तुमने मेरे सारे पैसे पानी में डुबा दिया। नाइस पन पापा, इंटरप्शन क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है चालू करिए चालू करिए। मैंने आपको बोला था ना, वापस इंटरप्शन हो तो बहुत बहुत बुरा होगा। ये केस मैं नहीं कंटिन्यू करूंगी फिर, और पैसे को डबल लूंगी। अच्छा ठीक है, अभी नहीं करूंगा। नहीं मैंने पॉकेट को खाली किया था, तभी उसमें से पैसे थोड़े निकाले थे, बट कुछ अजीब दिख रहे थे। मामा आपने इन पैसों को निकाल कर कहाँ रखा? वो तुम्हारे टेबल पे। टेबल पे? सस्पिशियस। तो वॉशरूम से बाहर आए कोट धोकर, तब वो पैसे उधर थे क्या? मैंने देखा तो गायब थे पैसे। Suspicious, extremely suspicious. क्या उस समय कोई भी इंसान, चाहे वो एक चूहा, बिल्ली, कोई भी हो, कोई रूम में आया था क्या? मम्मी, मैंने सारी रद्दी के लिए बुक्स निकाल दी, इनको कहाँ रखूँ? उधर बालकनी में बैग में रख दो बेटा। आयु आई थी पेपर का बंडल लेके, रिसाइकल वाला, तो पूछ रही थी उसे कहाँ रखूं। पापा आप मेरे क्लाइंट की प्राइवेसी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, केस चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए चाहिए, सॉरी। मम्मी आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, मैं अपने तीसरे क्लाइंट से मिलती हूँ। थैंक यू। आयु इधर आओ। तो मिस आयु, जिसको प्यार से सॉरी मेरी बहन बुलाते हैं, तो आयु क्या तुम उस दिन उस रूम में थी? वो जो पेपर बंडल था ना रिसाइकल करने के लिए, वही पूछ रही थी कि कहाँ रखना है।
ओके सस्पिशियस, क्या उस समय तुम्हें उधर पैसे दिखे थे? स्टॉप आस्किंग मी सो मेनी क्वेश्चंस, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं जा रही हूँ। नहीं मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? क्योंकि मेरे पास तेरा फेवरेट ब्रांड न्यू मेकअप किट है। नहीं नहीं प्लीज उसे मत ले, मैं तेरे को पैसा दे दूंगी। पहले तुम मेरा जवाब दो। और पैसे? मैं पैसे आराम से बाद में लूट लूंगी। पहले क्वेश्चन ठीक है, मैं कुछ सवाल। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या तुमने उन पैसों को रूम में देखा था? नहीं, मैं बहुत थकी हुई थी तो मैंने इस पेपर बंडल को टेबल पे रखा। हाँ, फिर मम्मी ने मुझे कहा कि मैं उसे बैग में डाल दूँ, तो मैं गई और उसे बैग में डाल दी। ओह आई सी, अच्छा इसका मतलब पैसा मम्मी ने ही चुराया है, क्योंकि सारी औरतें अपने पति का पैसा मार लेती रात को, यही मैंने मूवी में भी देखा है। मैंने भी देखा है, लेकिन मम्मी ने पैसे नहीं चुराए क्योंकि मम्मी कोट धो रही थी और कोट धो रही थी इसलिए उनका हाथ गीला था। तो अगर पैसे चुराती तो पहले ही छुपा दी होती, अगर छुपा ली होती तो आयु देख भी नहीं होती, लेकिन वो उस समय वॉशरूम में थी तो मम्मा ने क्लियरली पैसे नहीं चुराए हैं। तो फिर मेरा पैसा चुराया किसने? तो फिर आयु ने चुराया होगा, क्योंकि आयु के पास बहुत सारे पैसे थे और उसने मेकअप किट भी ऑर्डर किया। आयु ने पैसे नहीं रखे क्योंकि अगर उसके पास होता तो अभी तक खर्च कर ली होती। फ्रिज पूरा 5 टब आइसक्रीम से भरा होता, मेरा रूम सारा शॉपिंग बैग से भरा होता, है ना मैडम जी? तो फिर मेरा पैसा चुराया किसने? भूत तो नहीं लेके गया? सस्पिशियस, दाल में तो कुछ काला है। आयु, पेपर बंडल जो तूने बैग में रखे थे वो कहाँ रखा तूने? बालकनी में। ना मैं इतनी अच्छी डिटेक्टिव, मिशन कम्प्लीट, मुझे सारे पैसे मिल गए। अनु, पैसा तुमने चुराया? तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं पापा, ये पेपर के बंडल से मिला। कैसे? अरे पापा मैं समझाती हूँ, क्या हुआ ना कि आपने अपने कोट में पैसे रख दिए थे, फिर वो कोट आपने मम्मा को दिया, मम्मा धोने में डाली उसे, वो धोने के डालते समय उनको अच्छा वो पता चल गया कि उसमें पैसे थे, तो निकाल के टेबल पे रख दी, फिर आयु आई और बुक्स टेबल पे रख दिया, फिर जब जा रही थी तो साथ में उन पैसों को भी ले गई और बुक्स को भी ले गई और इधर बैग में मुझे ये मिल गया। ये लो। अरे ये तो नकली पैसे हैं। क्या? अरे अनु, तुमने जो सुबह पैसे दिए थे ना, मैं गलती से पॉकेट से निकालना ही भूल गया। Oh, no. अरे भाई, मगर मैंने इतनी मेहनत नकली पैसों के लिए की, लेकिन पापा डील के मुताबिक मुझे रियल पेमेंट मतलब असली पैसों से चाहिए। ओके डिटेक्टिव मैडम, पहले मेरे असली पैसे मिलेंगे तब दूंगा पैसे, इस नकली पैसे से नहीं मिलेगा पैसे। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, ये मेरी नई नैंसी ड्यू बुक में ही कुछ लिखा होगा जिससे मुझे कोई आइडिया आ जाए कहाँ खोजेंगे। चलो चलते हैं। पापा, आपकी किस्मत इस बुक के पन्नों में लिखी है। मुझे तो बस मेरा पैसा चाहिए और मुझे मेरा मेकअप किट। मुझे सोने का टाइम चाहिए, बस जल्दी जल्दी करो तुम लोग। ठीक है। तुमने सही बोला था, मेरी किस्मत तुम्हारे बुक में ही लिखी थी, बट ये पैसे आए कहाँ से? अनु, तुमने चुराया क्या? अरे मैं पहली बार इस बुक को खोल रही है, इधर कैसे आया? अरे याद आया, कल मैं जब गाड़ी से उतरा तो पॉकेट से मेरे पैसा गिर गया बुक में और मैं बुक में ही रख दिया और गलती से लेके आ गया, भूल गया। गलती हो गई भाई। तो अभी ये सारे पैसे मेरे और घर का एक हफ्ते का काम आपको ही करना पड़ेगा। Oh, no. फिर मेरी फीस डबल नहीं ट्रिपल। Oh, no. और आपके पास तो मेरा कुछ है नहीं, तो मिले एक नया आई शैडो पैलेट। तो देखा दोस्तों, अपनी गलती किसी और पे थोपने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि कहीं मैं ही तो नहीं गलत हूँ। हाँ, नहीं तो यही सजा मिलेगी, पैसा भी जाएगा, घर का काम अलग से करना पड़ेगा। और गाइस, मैंने ये सीखी है कि अगर आपको हमारे ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आपको काम थोड़ा तो करना ही होगा, आपको हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बिहाइंड द सीन्स ऑफ ग्लोबल के लिए आपको हमें TikTok, Instagram और Facebook पे फॉलो करना होगा। बाय।